पल के बिछा लूं, नजर में छुपा लूं। Hi my dear all the friends, today I'm back here with a new topics and that's nothing exactly some words are there, कुछ वर्ड्स आपके सामने लाया हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग गाना गाया कि पल के बिछा लूं और नजर में छुपा लूं, तो पल के बिछाना इंग्लिश क्या होती है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास एक आईए होता है ऊपर वाला, जिसको कहते हैं आईब्रो, हिंदी में कहते हैं भौहें, जो भौहें होती है ठीक है। तो आईब्रो लोग करवाते हैं लड़के या लड़कियाँ, लड़के भी करवाते हैं ठीक है। और ये जो होता है जो ऊपर नीचे से ऊपर गिरता होता है उसको कहते हैं आईलिड, क्या कहते हैं आईलिड। और जो ये आईलिड पे बाल होता है हमारा इसको कहते हैं आईलैश, क्या कहते हैं आईलैश क्लियर। तो हमारा क्या होता है पलक यानी आईलिड, तो पल के झुका लूँ नजर में छुपा लूँ, तो पल के ठीक है, पल के बिछाना क्या होता है इसका होता है गियो रेड कारपेट ट्रीटमेंट, इसका मतलब होता है। जैसे कि एक बार मैं उसके घर गया था, वंस आई वेंट हर होम, उनके घर गया था, उसने पल के बिछा दिया भाई मेरे लिए, तो क्या बोलूँगा सी गिव अ रेड ट्रीटमेंट टू मी, या सी गिव टू मी अ रेड ट्रीटमेंट, ऐसे करके बोल सकता हूँ ठीक है। तो गिव अ रेड ट्रीटमेंट का मतलब होता है, गिव अ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पल के बिछाना। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें जितेंद्र को इस तरह के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।